का नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोड्स के बने चैरिटी। यानी कि हमने कुछ रोड्स एज ए चैरिटी डोनेट कर दी, इसका आप रोड्स के बने डोनेशन भी कर सकते हैं। रोड्स लेकिन जो चैरिटी है हमारा एक एक्सपेंस है, हमने पढ़ा था ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, मींस चैरिटी अकाउंट डेबिटेड। बट गुड्स क्या होंगे आपके, यहाँ से गुड्स आपके पास से जा रही हैं गोल्स आउट, तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ध्यान रखना ऐसी जितने भी चीजें हैं जिनमें गुड्स हमारे पास से विदाउट एनी कंसिडरेशन जाती है, जब सेल नहीं करते हैं लेकिन गुड्स फिर भी हमारे पास से गोज आउट होती है, जा रही है आउट लाइन, तो सबकी सब चीजें परचेज अकाउंट से लिखी जाएंगी ना कि सेल्स अकाउंट से। क्लियर है? बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक हमारी एक और एंट्री है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने गुड्स का कुछ पार्ट एज ए सैंपल लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फ्री में विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम सैंपल बोलते हैं, इसकी भी एंट्री होती है। ये आप कर रहे हैं अपनी कमोडिटी को, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए ना, आप उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसके लिए एंट्री बनेगी। देखिए बेटा, गुड्स गिवन या डिस्ट्रीब्यूटेड, आप गिवन लिख लें या डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लें, एक ही बनता है ना बेटा, एज फ्री सैंपल। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। जो फ्री सैंपल आप दे रहे हैं ये आपका एक एडवर्टाइजमेंट है, यानी आपका एक एक्सपेंस है और सभी एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो आप इसको एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, बेटा सैंपल लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर हमने एडवर्टाइजमेंट पैसा दिया तो हम लिखते कैश, हमने क्या दिए हैं गुड्स, और टू परचेज अकाउंट। फिर से वही बात कि गुड्स हमारे पास से गई है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो एंट्री परचेज अकाउंट से बनेगी ना कि सेल्स अकाउंट से। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, सिंपली आप लिख सकते हैं गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। ऐसे ही गुड्स का टेबल यूज है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर है, बिजनेस का ओनर है, उसने गुड्स कंट्रोल कर दी, किसने बेटा, फॉर हिज पर्सनल, बेटा आप चाहें तो पर्सनल के लिए डोमेस्टिक वर्ड भी लिख सकते हैं ना, पर्सनल और डोमेस्टिक। उसने अपने निजी या घर के यूज के लिए क्या करा, बिजनेस से गुड्स कंट्रोल कर ली। तो बेटा हमने पढ़ा है कि जब प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ कंट्रोल करता है तो इसको हम पढ़ते हैं ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग भी हमारा एक एक्सपेंस है, लॉसेस के लिए एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या लिया बेटा, गुड्स टू परचेज अकाउंट। बीइंग जिस कमोडिटी का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हम जनरली डील करते हैं, उसी कमोडिटी की हमें रिक्वायरमेंट होती है कोई एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी एसेट को बनाने के लिए। जैसे बेटा एक टिम्बर मर्चेंट है, ठीक है, अब जो टिम्बर मर्चेंट है तो यानी कि टिम्बर्स खरीदता है और बेचता है। ठीक, अब उसको अपनी शॉप को या अपने शोरूम को या अपने वेयरहाउस के लिए फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है तो फर्नीचर बनवाता है। तो जब वो खुद टिम्बर मर्चेंट है तो क्या करेगा, वो अपने यहां से ही टिम्बर उस फर्नीचर को बनाने के लिए यूज कर लेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी एंट्री होती है। देखिए आप गुड्स
यूज टू मेक, बेटा मेक लिख लो, कंस्ट्रक्ट लिख लो, मैन्युफैक्चर लिख लो, ना डिपेंड करेगा आप किस टाइप के सेट बना रहे हैं। गुड्स लोड्स टू मेक एन एसेट, ठीक है, तो लिखेंगे बेटा एसेट अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना बेटा एसेट की जगह क्या होगा, उस पर्टिकुलर एसेट का नाम आएगा जो एसेट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, मेक कर रहे हैं, ठीक है। माना हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हम फर्नीचर बना रहे हैं तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और यदि हमने मशीन बनाई तो मशीन अकाउंट डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी कि बेटा आपने जो है ना अपनी गुड्स को यूज करके चार डिफरेंट टाइप की एंट्री बढ़ ली, गुड्स इन फ्री सैंपल, गुड्स इन फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट एक ही बात बेटा, गुड्स इन चैरिटी, गुड्स इन ड्राइंग और गुड्स टू कंस्ट्रक्ट और मेक और मैन्युफैक्चर एंड एसेट, ठीक है। आप देखो चारों में क्या करा है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है, सेल्स को नहीं, क्यों, क्योंकि इन चारों ही कंडीशन में जो हमारे पास से गुड्स हैं वो विदाउट एनी कंसिडरेशन जा रही है, हमें बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, हम यहाँ पर गुड्स को बेच नहीं रहे हैं, तो जब तक बेचेंगे नहीं सेल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स हैं वो सब एट कॉस्ट यूज की जाएंगी, अपने लागत मूल्य पर जितने की वो हमने परचेज की थी, ना कि जितने की हम उनको सेल आउट करते हैं, ठीक है। बीइंग नेचुरल का फिर से ऊपर आप देखेंगे ना, क्लियर है, चलिए बेटा नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। बेटा हमने पढ़ लिया गुड्स इन चैरिटी, गुड्स इन सैंपल, गुड्स इन ड्राइंग और गुड्स यूज इन मार्केट मेकिंग एंड एसेट, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हालांकि एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इट मींस एक्सपेंसेस एक्रूड क्या बेटा है, ड्यू क्या है ना, बट नॉट पेड, एक्रू हो गया है लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, इसको बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड टिल द डेट ऑफ अकाउंट, जिस दिन में हम अकाउंट्स अपने क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, उस समय तक हमने इनका पेमेंट नहीं किया है, हालांकि ये एक्रू हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं, ठीक है। तो बेटा इसके लिए एंट्री देखिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है बेटा, उसी एक्सपेंस का नाम जो एक्सपेंस आपका एक्रू है, जो एक्सपेंस हमारा एक्रू है या ड्यू है उसी एक्सपेंस को ड्यू करेंगे बेटा, ठीक है। माना बेटा सैलरी है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यहाँ पर लिखेंगे हम सैलरीज अकाउंट डेबिट, ये कमीशन है, कमीशन एक्रू बट नॉट पेड, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, ये बेटा वेजेज है तो वेजेज एक्रू बट नॉट पेड है तो वेजेज अकाउंट डेबिट, ये बेटा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये रेंट है जो एक्रो हो गया पे नहीं किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, यानी एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखो बेटा दो तरीके हैं इसको लिखने के, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ओ ओब्लिक एस, बट इसको हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, दोनों जगह बेटा एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, विजिट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग विजिट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। एक बात और बेटा, यदि ये एक्सपेंसेस किसी एक ही पर्सन का हम पर ड्यू है, ठीक है, और हमें उसका भी नाम पता है तो हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के सीधे उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे बेटा रेंट ड्यू हुआ, रेंट ड्यू हुआ तो तय बात है कि हमने बिल्डिंग रेंट पर ली है तो हमें रेंट देना है। अब जो बिल्डिंग हमें रेंट पर ली है, जिस पर्सन से हम बिल्डिंग रेंट पर लेते हैं या कोई जमीन रेंट पर लेते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा लैंडलॉर्ड, तो हमें पता है कि रेंट किसका है, लैंडलॉर्ड का है, तो हम लिख सकते हैं एक्सपेंसिव सॉरी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ये भी ठीक होगी और ये भी ठीक है, ठीक है, क्लियर है। बीइंग एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
इसका नाम होता है ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री। अच्छा ऐसा रफ कर देंगे, चलो पहले इसको रफ करते हैं, थोड़ी ना मुझे स्पेस स्पेस मिल जाएगा थोड़ा इसको लिखने के लिए, ठीक है। जब हम शुरुआत कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को ओपन कर रहे हैं, तो बेटा जब अकाउंट बनाते हैं हम, है ना, अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो जो अकाउंट्स है वो जो पूरा हिसाब बनेगा बेटा एक साल का बनेगा फाइनली, तो जब हम अपनी प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जो जनरली हमारा एक साल का होता है। लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम जनरली पर मंथ बेस पर हम अपने सारे अकाउंट्स को हैं उनको बैलेंस करते जाते हैं, क्लोज करते जाते हैं, उनके बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करते रहते हैं, ठीक है। इनके बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने के जो एंट्री आप बनाते हैं, यानी कि एक मंथ के बैलेंस को नेक्स्ट मंथ कैरी करने के लिए या एक ईयर के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर कैरी करने के लिए, ठीक है, जो एंट्री हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे ओपनिंग एंट्री, ठीक है। एंट्री टू कैरी और टू ब्रॉट फॉरवर्ड द बैलेंसेज ऑफ लास्ट मंथ और लास्ट ईयर, है ना, is known as opening entry, यानी वो एंट्री जो पिछले बैलेंसेस को आगे लाने के लिए बनाई जाएगी उसको हम बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। बेटा देखो हमें क्या करना है, ओपनिंग एंट्री में आपके पास डिफरेंट टाइप के एसेट होंगी, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स को हो सकता है कि अलग अलग नाम दियो, राम, मोहन, सोहन, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे बेटा आपके लाइबिलिटी होंगी, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज होंगे, लोन होंगे, कैपिटल होगी और क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री क्या करना है, सारे एसेट को अपनी को डेबिट करना है, डेबिट ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं वो सब डेबिट होंगी और जितनी भी लायबिलिटी वो सब क्रेडिट होंगी। बेटा ध्यान रखना ओपनिंग एंट्री में हमेशा एसेट और लायबिलिटी ही होंगी, कोई एक्सपेंसेस कोई इनकम आपकी ओपनिंग एंट्री में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इनके अकाउंट को हम आगे कैरी नहीं करते हैं, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। लेकिन जितने भी आपके रियल यानी कि एसेट अकाउंट और पर्सनल यानी कि ये हो सकते हैं बेटा आपके लायबिलिटी साइड भी यानी क्रेडिटर लोन वगैरह, ठीक है, और एसेट साइड भी डेटर वगैरह, ठीक है। तो केवल हम इन्हीं को आगे कैरी करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे ऑल एसेट्स, ठीक है, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। लेकिन बेटा ध्यान रखना जब आप एसेट्स अकाउंट लिखोगे ये सब अलग अलग लिखोगे इंडिविजुअली, ठीक है, इट मीन्स मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट है हमारे पास सबको अलग अलग डेबिट करेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे बेटा ऐसी आपकी लाइबिलिटी लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, आपकी लाइबिलिटीज बेटा ऐसे ही लिखी जाएंगी इंडिविजुअली अलग अलग, टू बैंक लोन, टू क्रेडिटर्स, ठीक है, और टू कैपिटल अकाउंट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उसने एसेट और लाइबिलिटी आपको दी होगी लेकिन कैपिटल उसने नहीं दी होगी, तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता है कि हर जनरल एंट्री में जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। तो बेटा ये जो कैपिटल है हमारी यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एसेट और लायबिलिटी का जो डिफरेंस है वो हमारी कैपिटल एज ए कैपिटल ट्रेड की जाएगी, उसको हम कैपिटल की वैल्यू मानेंगे। माना एसेट्स हैं सारी जोड़कर वैल्यू आई 1 लाख, हमने सारी लायबिलिटी जोड़ दी वैल्यू आई 40,000, इसका मीनिंग है बाकी जो 60,000 का बैलेंस बचा वो कैपिटल है, ठीक है बेटा। लिखेंगे बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट BROUGHT ब्रॉट फॉरवर्ड, जो बेटा पिछले बैलेंसेस थे उनको आगे लाए हैं, ठीक है। कैपिटल की बात याद रखना कि ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में भी हो सकती है, हो सकता है क्वेश्चन में कैपिटल गिवन ना हो, ठीक है। एक और बात है बेटा, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कैपिटल गिवन हो लेकिन दोनों साइड का टोटल मैच ना कर रहा हो, कैपिटल गिवन है और दोनों साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा है, तो बेटा इस डिफरेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरा कर देंगे, यानी जहां हमें कम पड़ेगा वहां हम
वो डिफरेंस की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे और दोनों साइड को मिला देंगे। ओके चलिए।